हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ दीपक वर्मा, स्वागत है आपका रेविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट रेलिंग के बारे में। रेलिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टॉप रेल, मिडल रेल, बलस्टर्स क्या रहते हैं, एक्सटेंशन कैसे होती है, कंप्लीट रेलिंग के ट्यूटोरियल्स मैं आपको यहाँ पे आज देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब है, सबसे पहले मान लो मेरे पास एक ये मॉडल है, मुझे यहाँ पे रेलिंग्स लगानी है और यहाँ पे टेरिस पे आपको रेलिंग्स लगानी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप लेवल वन पे जाएं। यहाँ से आप रेलिंग टू वेज में लगा सकते हैं, एक होता है स्केच पाथ और एक होता है प्लेस ऑन होस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केच पाथ के बारे में। आप स्केच पाथ पे क्लिक करें, आपको सिंपली क्या है कि आपको एक पाथ बनाना है। आपने ये पाथ बनाया, आपको सिंपली एक पाथ बनाना है। आपको इसमें कोई क्लोज प्रोफाइल की जरूरत नहीं है, आपको क्लोज प्रोफाइल की जरूरत नहीं है, बट आपकी जो रेलिंग्स है वो मस्ट बी इन ए लूप, एक ही लाइन में होनी चाहिए आपकी रेलिंग। अब अगर आप फिनिश करते हैं, 3D पे जाते हैं, तो ये आपकी यहाँ पे रेलिंग लग जाती है। इस टाइप में आप अपनी रेलिंग को लगा सकते हैं। मान लो मेरे को एक यहाँ पे चाहिए होती और एक सिर्फ यहाँ पे चाहिए होती, मिडल वाली मेरे को नहीं चाहिए। अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ से एडिट कर सकता हूँ बात को, और अगर मैं वन टाइम मान लो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अब मैं रेलिंग को फिनिश करता हूँ तो वो फिनिश नहीं करेगा, क्योंकि लाइन मस्ट बी इन ए लूप, आपकी एक ही लूप में आपकी लाइन होनी चाहिए, मतलब एक ही लाइन में होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं ये आपकी एक मिडल बना देता हूँ। मान लो मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ तो कोई इशू नहीं है, अब बन जाएगी। अगर मैं इसको कर देता हूँ तो वो बन जाएगी, बट अगर आप इंडिविजुअल अलग अलग बनाते हैं तो आप नहीं बना पाएंगे, क्लियर? तो वो फिनिश नहीं करेगा। ऐसे आप यहाँ से रेलिंग्स को बना सकते हैं, तो थ्रीडी में आपको, क्लियर? उसके बाद मान लो मैं टेरिस की रेलिंग बना रहा हूँ, लेवल टू पे मैं जाता हूँ, रेलिंग्स में लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रिव्यू का, अगर आप प्रिव्यू ऑन कर देते हैं तो होगा क्या, जैसे आप रेलिंग्स बनाएंगे, मानो 3D में जाके मैं रेलिंग्स बना रहा हूँ, जैसे भी आप रेलिंग बनाएंगे वो आपको साथ के साथ आपको प्रीव्यू नजर आएगा, आपको प्रीव्यू दिखाएगा, ताकि आपको इजी रहे हर चीज को यहाँ पे समझने में। तो प्रीव्यू के अकॉर्डिंग आपकी रेलिंग यहाँ पे दिखा देगा। अब देखो, जब प्रीव्यू है तो आपकी गलत भी हो सकती है, तो बेटर आप टॉप लेवल पे जाके ही उसे बनाएं। रेलिंग यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ पे क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, फिनिश 3D, वो आपकी रेलिंग यहाँ पे लग जाएगी। ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है, अगर आप रेलिंग पे क्लिक करते हैं तो रेलिंग में यहाँ पे दो चीजें आती है, एक तो किस लेवल पे आपका लगा है, एक बेस ऑफसेट। बेस ऑफसेट अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 फीट, तो बेस से 1 फीट ऊपर उड़ जाएगा, 2 फीट करूंगा बेस से 2 फीट ऊपर उड़ जाएगा, क्लियर? तो ऐसे आप बेस ऑफसेट अपने तरीके से डाल सकते हैं, कितना आपको बेस ऑफसेट चाहिए। और ये होता है ट्रेड और स्ट्रिंगर से ऑफसेट, जब स्टेयर्स आएंगे उसमें बताऊंगा, बट इसमें मैं अगर करूँ, मैं चाहता हूँ कि वॉल से 3 इंच की डिस्टेंस पे, मैं चाहता हूँ कि वॉल से 8 इंच के डिस्टेंस पे बन जाए, तो वॉल से वो 8 इंच के डिस्टेंस पे बन जाएगा, जो भी आपकी वॉल है, तीनों साइड से आपकी वॉल से 8 इंच के डिस्टेंस पे आपकी रेलिंग्स बन जाएंगी यहाँ पे, क्लियर? अब आप रेलिंग को सिलेक्ट करके चूज कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की रेलिंग चाहिए। एक है रेक्टेंगुलर रेलिंग, जिसमें ये रेलिंग आएगी, एक है पाइप, इस टाइप की रेलिंग आप लगा सकते हैं, एक आपका रेक्टेंगुलर ये वाली रेलिंग, ऐसी आप रेलिंग चूज कर सकते हैं, एक पाइप टाइप की रेलिंग ऐसी चूज कर सकते हो, और एक बॉटम फिल, ये ग्लास वाली रेलिंग्स हैं जो आप इसको यूज कर सकते हैं, क्लियर? अब इन रेलिंग में सबसे पहले समझना है कि किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। अगर मान लो मैं क्लिक करता हूँ, ये रेक्टेंगुलर रेलिंग लिया मैंने, सबसे पहले होता है ये होता है रेल, ये है टॉप रेल, ठीक है? अगर ये मिडल में हो तो हो जाता है मिडल रेल, बॉटम हो तो बॉटम, क्लियर? ये लगे हुए ये होते हैं आपके बलूस्टर्स, ये आपके बलूस्टर्स रहते हैं, क्लियर? और जो मान लो मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जो ये सबसे पहली है, ये होती है पोस्ट, ये स्टार्टिंग पोस्ट है, ये आपकी मिडल पोस्ट रहती है, मिडल पोस्ट ये वाली जो पोस्ट रहती है, क्लियर? ये आपकी लास्ट वाली पोस्ट है, ठीक है? ये आपकी रेल्स है, ये आपके बलूस्टर्स है, ये आपकी बॉटम फिल्स है, जिसको फिल किया गया है ग्लास के पैनल से, क्लियर? अब सब चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सेकेंडली, उससे पहले मान लो मेरे पास कोई एक स्टेयर है, मान लो मैंने स्टेयर लिया और मैंने स्टेयर बनाया यहाँ पे, और मैंने ये स्टेयर बनाया एंड फिनिश,
सीढ़ी। अब मैं इस स्टेयर की रेलिंग्स को हटा दू। अब मैं इस पे रेलिंग लगाना चाहता हूँ। रेलिंग लगाने के लिए अगर मैं यूज करता हूँ स्केच पाथ, अगर मैं पाथ पे स्केच करता हूँ ऐसे करके, ये पाथ है, ये मैंने स्केच किया, मेरे को दोनों साइड लगानी है तो मेरे को इंडिविजुअली लगानी पड़ेगी। ये 3 फीट का गैप है तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसको दोबारा डिलीट करता हूँ, दोबारा लेता हूँ और यहाँ से इसको 0 कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी रेलिंग्स यहाँ पे लगे, क्लियर। ये करने के बाद मैं दोनों साइड अगर लगानी है तो मैं इसको फिनिश करने के बाद दूसरी साइड यूज कर सकता हूँ। अब अगर आप फिनिश करेंगे 3D में जाएंगे तो देखो, बट आपकी जो रेलिंग्स लगी है नीचे लगी है। मैं चाहता था स्लोप पे लगने के लिए। अब इस स्लोप पे लगाने के लिए आपके पास 2 वेज है। पहला वे, आप रेलिंग को चूज करें, यहाँ से चूज करने के बाद यहाँ पे आता है पिक न्यू होस्ट। आप पिक न्यू होस्ट पे क्लिक करें और ये क्लिक कर दे स्टेयर को, ये होस्ट आपका पिक हो चुका है। अब आप लाइन की हेल्प से यहाँ से अगर आप बनाते हैं कोई भी और फिनिश करते हैं तो वो उसी होस्ट पे आपका लगेगा, वो आपकी रेलिंग ऐसे लगेगी। हेलो। उसके बाद एक वे ये है आपका बनाने का। सेकंड होगा, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, लेवल 1 पे जाता हूँ, आप सेकंड वेज में बना सकते हैं प्लेस ऑन होस्ट। अगर आप प्लेस ऑन होस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछेगा ट्रेड पे बनाना है या आपको स्टिंगर्स पे बनाना है। मान लो मैं ट्रेड पे बोला और मैं स्टेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो वो क्या करेगा, दोनों साइड अपने आप ही रेलिंग्स लगाएगा। प्लेस ऑन होस्ट क्या होता है कि जिस टाइप की उसको स्लोपिंग नजर आती है उसी के अकॉर्डिंग आपका वो बना देगा, क्लियर। यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं, ये आपका बना है ट्रेड पे। अगर आप इसको डिलीट करते हैं आगे, अगर आप यहाँ से दोबारा बनाते हैं तो अगर आप करते हो प्लेस ऑन होस्ट और कर देते हो स्ट्रिंगर, क्लिक करते हो तो आपके जो बनेंगे वो स्ट्रिंगर्स पे बनेंगे, ये आपके स्ट्रिंगर्स रहते हैं। आपको पता है इसमें ये राइजर है, ये ट्रेड है, ये नोजिंग लेंथ है जो आपका बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। उसके बाद आपका ये है बलूस्टर्स, रेल, टॉप रेल, स्ट्रिंगर्स, ये आपका पूरा पार्ट रहता है स्टेयर का। ऐसे आप स्टेयर पे लगा सकते हो या आपकी कोई भी स्लोपिंग वाली अगर आपकी वॉल है या कुछ भी है, आप उस पे वो चीजों को प्रोवाइड कर सकते हो प्लेस ऑन होस्ट करके, क्लियर। अब इस पे भी क्लिक करके आप यूज कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए। अगर आप 2 फीट कर देते हो तो वो 2 फीट बाहर की तरफ इधर की तरफ आ जाएगा। तो इसको मैंने किया कि मान लो 2 इंचेस मैंने किया तो वो इधर आ जाएगा, जो आपके ट्रेड पे आपकी रेलिंग्स लग जाएंगी, क्लियर। ऐसे आप यहाँ पे रेलिंग्स को यूज कर सकते हो। अब बात आती है कि रेलिंग को यूज तो कर लिया, ठीक है। अब बात आती है जो आपकी रेलिंग्स है उसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करनी है या कुछ भी। मान लो मैं एक रेल और यहाँ पे बना देता हूँ, एक रेलिंग और मैंने ली और एक रेलिंग मैंने यहाँ पे बनाई छोटी सी फिनिश 3D। ये मेरी रेलिंग है, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। अब थोड़ा सा इसके अंदर एडिटिंग समझनी है कि आप किस टाइप में इस चीज को एडिट कर सकते हैं, क्लियर। और या फिर मैं एक स्टेयर, चलो पहले इसी स्टेयर पे वर्क करते हैं फिर बात करते हैं इस स्टेयर की। अगर मैं एक स्टेयर यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने राइट किया, अगर मैं ये वाली स्टेयर बनाता हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्लियर। अब सबसे पहले बात करते हैं, अब मैं रेलिंग पे क्लिक करता हूँ, ये तो आपको पता ही चला, पता ही है कि आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी में चलते हैं। इंटरनल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जाएंगे एडिट टाइप पे। एडिट टाइप पे क्लिक करें, एडिट टाइप पे आप अपनी रेलिंग्स को यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से टॉप रेल, जो आपकी टॉप रेल है उसकी हाइट आपको कितनी चाहिए। अभी 3 फीट है बाय डिफॉल्ट, अगर मैंने इसको कर दिया 6 फीट, अप्लाई कर दिया तो आपकी जितनी भी रेलिंग्स है सभी आपकी 6 फीट की हो जाएंगी। अगर आप फिनिश करते हैं तो जितनी भी यहाँ पे रेलिंग्स है, इस टाइप की प्रोफाइल की जितनी भी रेलिंग है सभी आपकी 6 फीट की हो जाएंगी। मैंने अंडू किया अगेन। अगर आप चाहते हो कि एक ही मेरा 6 फीट की हो तो आप यहाँ से डुप्लीकेट बना सकते हो, क्लियर। उसके बाद रेलिंग आपको चाहिए कैसी, रेक्टेंगुलर रेलिंग चाहिए या आपको कैसी चाहिए, आप इलेप्टिकल चूज कर सकते हो, सर्कुलर चूज कर सकते हो। अप्लाई करें तो जो आपका टॉप रेल है वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, आपका सर्कुलर या रेक्टेंगुलर जो भी आप यूज करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आप नन कर देंगे तो आपका टॉप रेल हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि अगर मेरे को हैंड रेल चाहिए कि नहीं, मान लो मैं इसके साथ साथ एक हैंड रेल भी चाहता हूँ,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सिलेक्ट करें रेलिंग को, एडिट टाइप में जाएं, यहाँ पे हैंडरेल वन, हैंडरेल वन का मतलब एक साइड में हैंडरेल, हैंडरेल टू का मतलब दूसरी साइड में अगर आपको हैंडरेल चाहिए। जैसे स्टेयर पे होता है चढ़ने के लिए पकड़ के आप चलते हैं, वो हैंडरेल्स आपकी रहती है। अब यहाँ पे क्लिक करें टाइप पे, आपको कैसी चाहिए, सबसे पहले चूज करें कि मेरे को सर्कुलर चाहिए, और आप पोजीशन डाल सकते हैं कि आपको हैंडरेल चाहिए कहाँ पे, आपको लेफ्ट में चाहिए या आपको राइट में चाहिए, आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड चाहिए। मान लो मैंने बोला कि राइट में मेरे को हैंडरेल चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी राइट साइड में देखो आपकी एक हैंडरेल आ जाएगी। अगर आप लेफ्ट साइड करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपकी लेफ्ट साइड में एक हैंडरेल आ जाती है। ये देखो ये है आपकी हैंडरेल, क्लियर, ये आपकी हैंडरेल यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि इस हैंडरेल पे आप क्लिक करें, एडिट टाइप करें यहाँ पे, उसके बाद दोबारा हैंडरेल की प्रॉपर्टी में जाते हैं। ये तो ओनली सर्कुलर आई, मैं चाहता हूँ पाइप आई बट वॉल माउंट के साथ आए। वॉल माउंट का मतलब है अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये कनेक्शन आ जाएंगे, ये वाले माउंट जो वॉल से माउंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे एक स्टेयर बनाते हैं, अगर मैं मान लो यहाँ पे एक स्टेयर बनाता हूँ, ये मैंने स्टेयर है, स्टेयर का कंपोनेंट राइट में किया और मैंने एक स्टेयर यहाँ पे बनाई फिनिश 3D, इसको मैं ऐसे डिलीट किया, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको अगर मेरे को यहाँ पे स्टेयर चाहिए, मान लो मैंने यहाँ पे दोबारा अंडू किया, अब मेरे को यहाँ पे हैंडरेल चाहिए, तो ये देखें ये वाले जो वॉल से माउंट रहते हैं ये आप बना सकते हैं यहाँ पे, जो ये वाले कनेक्शंस रहते हैं, क्लियर। उसके बाद दोबारा से मैं चलता हूँ यहीं पे, उसके बाद ये वाले माउंट आपके हो चुके हैं, उसके बाद क्लिक करो एडिट टाइप, उसके बाद यहाँ पे जाओ, उसके बाद सेकेंड हैंडरेल आप लगा सकते हो कि आपको किस साइड चाहिए, जिस भी प्रोफाइल की चाहिए, किस वे में चाहिए, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। पाइप में चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, वो रेलिंग आप जो हैंडरेल है उसकी पोजीशन का अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद बात आती है रेल स्ट्रक्चर को, आपको रेल स्ट्रक्चर को एडिट करना है। मान लो एक हैंडरेल यहाँ पे लगी है, एक रेलिंग टॉप रेल है, मेरे को एक मिडल में रेल चाहिए, तो उसके लिए आप रेल स्ट्रक्चर पे जा सकते हैं, एडिट करें, यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, आप इंसर्ट करें, यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं कि मेरा टॉप रेल मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, मैंने टॉप रेल किया, कितनी हाइट पे चाहिए, मैंने बोल दिया कि एक मेरे को टॉप रेल चाहिए 3 फीट की हाइट पे, तो ऑलरेडी है, मैं चाहता हूँ कि एक मेरे को चाहिए 2 फीट 6 इंच की हाइट पे, 2.5 मैंने किया, 2 फीट 6 इंच की हाइट पे है। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट होता है अब भी जो ये टॉप रेल है ये इसके मिडल में है बिल्कुल, अगर मैं टॉप से देखता हूँ तो ये टेल इसके मिडल में है, अगर ऑफसेट में डालता हूँ 1 इंच या 2 इंच को तो वो इधर या इधर आ जाएगी। जैसे ये ना ये है बिल्कुल मिडल में जो 0 का ऑफसेट है, और ये है 3 इंच के ऑफसेट पे, अगर उधर करता हूँ तो 3 इंच का ऑफसेट पे, ये ऑफसेट होता है कि आपको जो रेलिंग चाहिए मिडल में चाहिए कहाँ पे चाहिए। मान लो मैंने इसको कर दिया -1 इंच ताकि वो साइड में आ जाए। प्रोफाइल क्या चाहिए वो आप चूज कर सकते हो, किसी चैनल प्रोफाइल चाहिए, रेक्टेंगुलर प्रोफाइल चाहिए, सर्कुलर प्रोफाइल चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, जो भी आपको प्रोफाइल चाहिए। उसके बाद मटेरियल क्या चाहिए वो आप मटेरियल चूज कर सकते हो, आप मटेरियल पे क्लिक करें, मटेरियल पे क्लिक करने के बाद आप मटेरियल चूज कर सकते हो, यहाँ पे जाएं, आपको यहाँ पे जो भी चाहिए स्टेनलेस स्टील आपको चाहिए आप क्लिक करें, ओके ठीक है, वो आपका मटेरियल वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये देखो आपका एक हैंडरेल आ गया है, ये वाला जो मैंने लगाया है, आप इसको चूज कर सकते हैं कि इस रेक्टेंगुलर चाहिए या आपको कैसा चाहिए, आप अप्लाई करें तो उसी के अकॉर्डिंग आपका हैंडरेल यहाँ पे लग जाएगा, क्लियर। मान लो मेरे को एक बॉटम में भी चाहिए तो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, ये मैंने कर दिया बॉटम रेल, उसके बाद मैंने हाइट यहाँ पे रखा कि मेरे को ये 6 इंचेस की हाइट पे चाहिए, ऑफसेट में रख सकता हूँ कि मेरे को वही -1 इंच का ऑफसेट चाहिए, प्रोफाइल ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितनी भी चीज मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्या आपको मटेरियल चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अप्लाई करें तो एक और आपका हैंडरेल आ जाएगी, आपकी रेलिंग आ जाएगी, वो आपके नीचे आ जाएगी, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं, कैसा चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करें, आपने इलेक्ट्रिकल किया, रेक्टेंगुलर हैंडरेल आपको चाहिए, अप्लाई करें, वो वैसे ही आपकी हैंडरेल आ जाएगी।
क्लियर। ऐसे करके आप अपनी रेलिंग को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये तो था कि आपको रेल स्ट्रक्चर ऐड करना है। अब बात करते हैं बलूस्टर्स की, आपको बलूस्टर्स के अंदर भी कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा साइड में करता हूँ, इसको थोड़ा फ्लिप कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका, यहाँ पे क्लिक किया, ये उधर की तरफ लगा हुआ है। मान लो मेरे को इधर की तरफ चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आप उसको एस इट इज रख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक करें, मान लो मैं ऑफसेट नहीं चाहता यहाँ पे तो एडिट करें, मैं यहाँ पे ऑफसेट को जीरो कर सकता हूँ कि मेरे को ऑफसेट नहीं चाहिए। ओके, तो बिल्कुल सेंटर में आपका आ जाएगा, ये देखो बिल्कुल सेंटर में आया, क्लियर। अब मैं चाहता हूँ बलूस्टर की प्लेसमेंट, बलूस्टर पे क्लिक, रेलिंग को सिलेक्ट किया, एडिट टाइप, अब चले जाए बलूस्टर प्लेसमेंट पे, आप एडिट पे क्लिक करें। बलूस्टर प्लेसमेंट में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है बलूस्टर्स कि आपको सबसे पहले यहाँ पे है कि आपको बलूस्टर चाहिए कैसा। आप यहाँ पे क्लिक करें, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि मेरे को किस टाइप का बलूस्टर चाहिए। आप 1 इंच राउंड चीज चूज कर सकते हैं, या अभी आपका रेक्टेंगल राउंडेड चूज करोगे, अप्लाई करो तो आपके राउंडेड हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ राउंडेड 2 इंच अप्लाई, तो आपके राउंडेड 2 इंच हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट वाली पोस्ट है, ये चेंज नहीं होगी, सिर्फ इंटरनल वाले चेंज होंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। मान लो राउंडेड 1 इंच मैंने अप्लाई किया, वो राउंडेड आपके 1 इंच हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ बेस, मतलब जो बेस है रेलिंग का वो कहाँ तक हो। ये होस्ट है, होस्ट का मतलब जो डीएल में नीचे वाला होस्ट है उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर मैं चाहता हूँ बेस पे कि बेस है ना बॉटम रेल से अटैच हो, तो क्लिक कर दें, अप्लाई करें, तो जो बेस रहेगा वो बॉटम रेल से अटैच होकर चलेगी। सेम फॉर टॉप ऑफसेट, मतलब जो टॉप रेल है, मैं कर देता हूँ कि अगर मैं टॉप रेल से अटैच चाहता हूँ तो अप्लाई कर दें, तो वो टॉप रेल से अटैच होगी, वरना वो जो रेलिंग है आपकी टॉप रेल उसी से आपकी अटैच होगी। मैं चाहता हूँ जो मैंने बनाई है, जो हम बनाई थी मैंने मैन्युअली, वो आपकी इस लिस्ट में ऐड हो जाएगी। उसके बाद भी आप ऑफसेट डाल सकते हैं कि बेस से मेरे को 1 इंच या 2 इंच के ऑफसेट पे चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और बेस से 2 इंच और ऊपर उठ जाएगा। अगर आप यहाँ से होस्ट भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं, तो उस बेस से वो 2 इंच की हाइट पे आ जाएगा। ये आप मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से बॉटम रेल पे क्लिक करके यहाँ से जीरो कर सकते हैं। यही टॉप ऑफसेट की, आपको टॉप से कितना ऊपर चाहिए, आपको टॉप से कितना नीचे चाहिए, वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद इनके बीच में कितना डिस्टेंस चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि मेरे को बीच में डिस्टेंस चाहिए कोई 8 इंच के आसपास, तो अप्लाई करेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा इसकी हेल्प से। उसके बाद होता है ऑफसेट की, आपको ऑफसेट कितना चाहिए, तो ऑफसेट के लिए यहाँ पे आता है ऑफसेट, मतलब ये आपको सेंटर में, आपको उधर चाहिए या इधर चाहिए, तो उसके लिए ऑफसेट डाल सकते हो। मान लो आपने ऑफसेट दिया 1 इंच का, तो अप्लाई करें तो आपका क्या होगा, वो 1 इंच बाहर की तरफ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 फीट का देता हूँ, तो वो देखो बाहर की तरफ रेलिंग आ जाती है, तो आप इसको क्लिक करें, आपने इसको जीरो किया और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो थी ये वाली रेलिंग, मान लो मेरे को ग्लास वाली रेलिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, सबसे नीचे आए, यहाँ पे मिलेगा पैनल ग्लास, आप इस पे क्लिक करें, अप्लाई करें, तो आपके ग्लासेस लग जाएंगे। आपके जो ग्लासेस है वो 2 फीट 8 इंच के हैं और इनके बीच में डिस्टेंस है 4 इंच का, तो कैसे ओवरलैपिंग आपकी ग्लासेस में आ गई है। मैंने बोल दिया कि मेरे को चाहिए ये 3 फीट के डिस्टेंस पे, 3 फीट का डिस्टेंस मैंने डाला, अप्लाई किया, तो ये ग्लासेस आपके 3-3 फीट के डिस्टेंस पे आपके आ जाएंगे। और इसकी जस्टिफिकेशन कैसे करनी है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो कि एट बिगनिंग से या एंड से आपको जस्टिफाई करना है, या आपको सेंटर से जस्टिफिकेशन करनी है, या फिर आपको स्प्रेड करना है पैटर्न को, फिट हो जाए बीच में, तो आप ऐसे इसकी जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, क्लियर। आप यहाँ से चूज कर सकते हैं फिर से राउंडेड या कुछ भी, आप यहाँ से अप्लाई करें और आपको डिस्टेंस कितना चाहिए वो चूज कर सकते हैं कि मेरे को 4 इंच का डिस्टेंस चाहिए कितना, तो आपकी रेलिंग ऐसे लग जाएगी। ये तो थी आपकी जो बलूस्टर्स रहते हैं किस प्रोफाइल के होने चाहिए या क्या कुछ। उसके बाद आता है जो पोस्ट है, ये स्टार्टिंग वाली पोस्ट है, उसके बाद ये एंड वाली पोस्ट है, और अगर कोई मिडल में पोस्ट होती है तो वो मिडल वाली पोस्ट है, जैसे ही वो कॉर्नर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मिडल वाली पोस्ट है, इसकी प्रॉपर्टी के लिए आप क्लिक करें, एडिट टाइप पे जाएं, एडिट करें। ये पोस्ट की प्रॉपर्टी है, ये स्टार्टिंग पोस्ट की जो फर्स्ट वाली पोस्ट है, ये मेरे को कैसी चाहिए आप चूज कर सकते हैं कि मेरे को स्क्वायर में 1 इंच की, स्क्वायर में 2 इंच की चाहिए।
अप्लाई करें तो आपकी पोस्ट वैसी ही बन जाएगी। क्लियर, जैसे भी आप पोस्ट को चूज करोगे आपकी पोस्ट वैसी ही यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद वही बेस आपको कहाँ चाहिए, पोस्ट चाहिए या बॉटम फिल चाहिए, बॉटम रेल से अप्लाई करोगे तो बॉटम रेल से ही आपकी पोस्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। होस्ट करोगे तो आप होस्ट से उस चीज को स्टार्ट कर सकते हो। बेस ऑफसेट कितना चाहिए, वही है जो यहाँ पे बता चुका हूँ। टॉप ऑफसेट, टॉप स्पेस कितना चाहिए, स्पेस है वही डिस्टेंस वाला की कितना डिस्टेंस चाहिए आपको, जो डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस है, और ये इसके बीच का डिस्टेंस कितना चाहिए, और उसके बाद है कि ऑफसेट कितना चाहिए, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। दिस वॉज सेंटर पोस्ट एंड दिस वॉज एंड पोस्ट, ये आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे चेंजेस है। क्लियर, ऐसे आप बलूस्टर्स वगैरह को प्लेस कर सकते हैं। ये था कंप्लीट ये। अब एक होता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टेयर्स की, अब यहाँ पे अगर मैं स्टेयर्स की बात करूँ और जो आपके ये रेलिंग्स है, ये मैंने यहाँ पे रेलिंग्स लगाया, मैंने क्लिक किया, अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे 2 inches के आसपास, तो ये रेलिंग्स आपके अगर मैं क्लिक करता हूँ, मैं अंडू करता हूँ एक्चुअली, अंडू करने के बाद ये आपकी रेलिंग्स हैं। अब रेलिंग्स है पर ट्रेड पे आपकी 3 railings आ रही है, मैं चाहता हूँ बालूस्टर्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ पर ट्रेड पे आपके 2 balusters आए या 1 baluster आए, तो आप क्लिक कर सकते हैं, एडिट टाइप पे जा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आता है यूज बालूस्टर पर ट्रेड एंड स्टेयर, आप इसे ऑन करें, यहाँ पे कितना पर ट्रेड चाहिए वो चूज कर सकते हैं और कैसा चाहिए वो चूज कर सकते हैं, अप्लाई करें तो आपकी पर ट्रेड पे उतने ही बलूस्टर्स आपके यूज होंगे। ऐसे आप बलूस्टर्स वगैरह को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मेरे को जो यहाँ पे बलूस्टर चाहिए वो मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को बलूस्टर चाहिए वो किसी और प्रोफाइल के चाहिए। एडिट टाइप पे क्लिक करें, आप यहाँ पे जाएं, अगर बलूस्टर में देखें तो आपके सिर्फ इतने से ही प्रोफाइल्स हैं कि आपको कैसे बलूस्टर चाहिए, बट मेरे को और टाइप्स के बलूस्टर चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करें, आप इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट पे जाने के बाद लोड फैमिली करें, लोड फैमिली में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे बलूस्टर्स पे, आप बलूस्टर्स पे क्लिक करें। अब आपके इतने सारे टाइप्स के बलूस्टर हैं, अब ये आपको इंसर्ट वाली लोड फैमिली में जाना है। इंसर्ट वाली लोड फैमिली का मतलब है कि जो भी आप यहाँ से अब सिलेक्ट करोगे वो आपकी फैमिली में इंसर्ट हो जाएगी। कौन सी फैमिली में, यहाँ पे आती है फैमिली, जितने भी फैमिली आपकी बाय डिफॉल्ट आती है वो आपकी यहाँ से पता चल जाता है आपको कि कैसे कैसे आपकी बाय डिफॉल्ट है। अभी मेरे को प्रोफाइल चाहिए बालूस्टर्स का, आपको स्टेयर्स वगैरह के लिए चाहिए, मैंने यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे को स्टेयर्स के लिए चाहिए, यहाँ पे मेरे को रेलिंग्स के लिए चाहिए, मेरे को बालूस्टर के लिए, इतने सारे बालूस्टर के प्रोफाइल है। मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ तो लोड फैमिली पे क्लिक करो, बालूस्टर्स पे क्लिक करो, मेरे को चाहिए मान लो ये वाला बालूस्टर, इस वाले बालूस्टर को मैं चाहता हूँ, आप सिलेक्ट करो, ओपन करो, ओपन करने के बाद वो बलूस्टर देखो आपकी में ऐड हो जाएगा। और मान लो पोस्ट के लिए दूसरा बलूस्टर चाहिए, पहले बलूस्टर सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, एडिट, यहाँ पे जाएं और इस लिस्ट में आपका वो बलूस्टर ऐड हो जाएगा। क्लियर, ऐड करने के बाद अप्लाई करें तो आपके जितने बलूस्टर थे वो आपके कुछ इस वे में बन जाएंगे, इस प्रोफाइल के बन जाएंगे, जो भी आपके बलूस्टर जिसको आप यहाँ से चेंज करोगे वैसे आपके बलूस्टर बन जाएंगे। अगर आपको ऐसे बलूस्टर चाहिए तो आप ऐसे बलूस्टर को चूज कर सकते हैं। ये पोस्ट है, पोस्ट के लिए मेरे को कुछ और चाहिए तो लोड फैमिली में जाओ, लोड फैमिली में जाने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लो मेरे को पोस्ट चाहिए कुछ इस टाइप की, या मेरे को पोस्ट चाहिए कुछ इस टाइप की, तो आप क्लिक करें, ओपन करें, ओपन करने के बाद ये ऐड हो जाएगा। आप क्लिक करें, एडिट टाइप पे जाएं, एडिट करें, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से चूज कर सकते हैं कि मेरे को ये वाली पोस्ट चाहिए, अप्लाई करें, वो वैसी, ये बालूस्टर्स, ये हैं बालूस्टर्स, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। पोस्ट वैसी चाहिए तो आप यहाँ से पोस्ट चूज कर सकते हैं कि पोस्ट में कुछ ऐसी चाहिए, अप्लाई करें तो आपकी पोस्ट कुछ इस टाइप की बन जाएगी यहाँ। क्लियर, ऐसे आप बालूस्टर्स और अपनी पोस्ट वगैरह को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अब मेरे को ये टॉप रेल ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को टॉप रेल थोड़ा एडिट करना है, मेरे को एक्सटेंशन बनानी है, मेरे को आगे बढ़ाना है, मेरे को इस तरीके का कोई प्रोफाइल बनाना है, तो उसके लिए प्रोफाइल्स के लिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं बाहर आता हूँ, बाहर आने के बाद अगर मैं टैब प्रेस करके सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इंडिविजुअली सबको सिलेक्ट कर सकता हूँ। मान लो मैं टैब प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ तो मैं टॉप रेल को कम्प्लीटली सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस टॉप रेल पे क्लिक करने के बाद
मैं अपने प्रोफाइल को यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, अपनी रेल को एडिट कर सकता हूँ। आप एडिट रेल पे क्लिक करें तो आपको एडिटिंग के लिए ऑप्शन देगा कि आप कैसे कैसे अपनी रेल को एडिट कर सकते हैं। एडिटिंग में सबसे पहले है कि मान लो मेरे को पाथ आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पाथ को एडिट कर सकते हैं। एडिट पाथ करो, कोई भी प्रोफाइल लो, मान लो आपको यहाँ से पाथ चाहिए, आप यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ जाना चाहते हैं, उसके बाद आप राउंडेड वाले चूज किया, मैं यहाँ से कुछ ऐसे बनाना चाहता हूँ, तो वो आपका वैसे बन जाएगा। आप फिनिश करें, एक बार और फिनिश करें, तो आपकी जो रेलिंग है कुछ इस तरीके की बन जाएगी। क्लियर? अगर मैं मान लो इसका बनाना चाहूँ, ये वाला, आप क्लिक करें, आप इसको टैब प्रेस करके सिलेक्ट करें, एडिट रेल करें, एडिट रेल करने के बाद एडिट पाथ करें, लाइन ले, आप इस पाथ के अकॉर्डिंग ये बना सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका पाथ रहेगा, और उसके बाद आपको राउंड करना है तो आप इसको यहाँ से राउंड कर सकते हैं, जितना भी आपको राउंड करना है यहाँ पे वो आप कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस वे में उस चीज़ को बनाते हैं, मतलब कैसा प्रोफाइल आप उस चीज़ का रखते हैं। अगर मैंने अंडू किया, अब मैं यहाँ से कोई प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, ये मैंने प्रोफाइल बनाया, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोफाइल बनाना होगा। ये आपने प्रोफाइल बनाया, जो भी व्हाटएवर जो भी आप प्रोफाइल बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोफाइल बन जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका ये एडिट हो जाता है। क्लियर? इसके रेक्टेंगुलर प्रोफाइल को चेंज करना है तो आप क्लिक करें, यहाँ पे आप रिसेट कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल में जा सकते हैं, आपको कोई भी प्रोफाइल चाहिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, कि मेरे को सर्कुलर चाहिए या क्या चाहिए, आप यहाँ से फिनिश कर सकते हैं, तो आपका सर्कुलर प्रोफाइल यहाँ पे हैंडल का हो जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर को आपको चेंज करना है तो आप ऐसे इसकी हेल्प से चेंज कर सकते हैं। क्लियर? मैं अगेन इस पे आता हूँ, मैंने सिलेक्ट किया, मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, टैप प्रेस करके आप रिसेट कर सकते हो, आपका वो रिसेट हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं एडिट टाइप में जाता हूँ तो ये इसकी प्रॉपर्टी है टॉप रेल की, जिसके अंदर मेरे को एक्सटेंशन मिल जाती है। अगर मैं एक्सटेंशन करना चाहता हूँ, मान लो मैंने एक्सटेंशन की वॉल, एक्सटेंशन मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, कितना आगे बढ़ाना है, वॉल और लेंथ कितनी चाहिए, मान लो मैंने 1 फीट की अप्लाई, तो वो एक्सटेंड हो जाएगी आगे की तरफ। मतलब आप एक्सटेंशन को, बिगनिंग की एक्सटेंशन को, यहाँ पे बिगनिंग की एक्सटेंशन, उसको आप कैसे चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से फ्लोर तक चाहते हैं तो अप्लाई, तो वो फ्लोर तक आपकी ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी। अगर आप इसे चाहते हैं पोस्ट, तो अप्लाई करें तो वो पोस्ट तक आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। ऐसे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सेम फॉर एंड, एंड पार्ट के लिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप यूज कर सकते हैं कि आपको यहाँ से रेक्टेंगुलर चाहिए, तो वो आपकी यहाँ पे एक टर्मिनेशंस लगा देती है, यहाँ पे जो पोस्ट से आपकी अटैच हो जाएगी, नहीं चाहिए तो आप इसे नन कर सकते हैं, तो आपकी ऐसे हो जाएगी। उसके बाद आता है कि आपको ज्वाइंट कैसा चाहिए, जो ये वाला ज्वाइन है वो आपको कैसे चाहिए, मीटर में चाहिए या फिर आपको फिलेट चाहिए। अगर आप फिलेट करते हो, और मान लो मैंने फिलेट डाला 2 इंचेस का, अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, अगर आप 1 इंचेस का यहाँ पे डालते हैं, वो यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, क्योंकि आपका ये पोस्ट थोड़ा कम है। अगर मैं इसे 2 फीट के आसपास अप्लाई करता हूँ, अगर मैं अब यहाँ से फिलेट डालता हूँ तो नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे पोस्ट फ्लोर तक करता हूँ, अब मैं यहाँ से चेंज करता हूँ 2 इंचेस, नहीं कर रहा। वो एक्चुअली क्या करेगा, यहाँ पे राउंड कर देगा उस चीज को, फिलेट लगा देगा यहाँ पे, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। क्लियर? तो ऐसे आप इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हो, प्रोफाइल एडिट कर सकते हो, ठीक है। एक होता है कि प्रोफाइल आपको कैसा चाहिए, प्रोफाइल मान लो आपको सर्कुलर हैंड रेल किया, वो आपकी वैसी हो जाएगी जैसी आप चाहते हो। अगर मैं इसके अंदर फिलेट रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे नहीं करेगा। चलो, उसके बाद है, यहाँ पे मैंने ओके किया, ओके करने के बाद मान लो मैं इसको 1 फीट ही रखता हूँ, ओके किया। अब बात आती है कि मान लो आपने स्टेयर बनाई है, ये वाली आपकी स्टेयर है, और इस वाली स्टेयर में जो आपका ये जॉइंट है, अगर मैं इस पे बात करूं, मैं इसको क्लिक किया, हैंड रेल मैंने हटाया कि मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इस जॉइंट की, जो ये वाला जॉइंट है, ये मेरे को कैसे रखना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप क्लिक करें रेलिंग्स पे,
एडिट टाइप पे जाएं, यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको इस टॉप रेल पे टैप प्रेस करके क्लिक करना है, टॉप रेल को टैप प्रेस करके सिलेक्ट करना है, एडिट टाइप पे जाना है, यहाँ पे आते हैं ट्रांजिशन कि आपको ट्रांजिशंस कैसे चाहिए। यहाँ पे आपको पूछना है कि अगर मैं नन करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो वो हट जाएगा, वो आपका ज्वाइंट नहीं होगा। अगर मैं घुसनेक करता हूँ, घुसनेक अप्लाई, तो वो उस टाइप में आपका ज्वाइन होगा। और अगर मैं इसको करता हूँ सिंपल ज्वाइंट, अप्लाई करोगे तो वो ज्वाइंट आपका सिंपल होगा। वैसे आप इस ज्वाइंट के लिए इसको यहाँ से यूज कर सकते हो ट्रांजिशन को, क्लियर। उसके बाद आता है आपका, आई थिंक कंप्लीट ट्रेलिंग में बता चुका हूँ कैसे आप बलूस्टर चेंज कर सकते हो, कैसे आप पैनल्स चेंज कर सकते हो, कैसे आप पोस्ट चेंज कर सकते हो, कैसे आप रेलिंग्स चेंज कर सकते हो, और कैसे टॉप रेल, पोस्ट, स्लोपिंग पे अगर आपको लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हो, बलूस्टर्स अगर चेंज करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो, एक्सटेंशंस क्या होती हैं, वो आप अगर प्रोफाइल को आपको करना है तो आप प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो, एडिट रेल कर सकते हो, क्लियर, एडिट पाथ कर सकते हो कि अगर आपको पाथ चाहिए तो आप यहाँ पे फिल इट करना है आर्क, तो आप इस आर्क को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल इट कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से फिल इट कर सकते हैं, आप फिनिश करेंगे तो आपको उस टाइप का यहाँ पे प्रोफाइल बन जाएगा। तो ऐसे करके आप कंप्लीट रेलिंग्स को यहाँ से यूज कर सकते हैं। जितनी भी चीजें हैं रेलिंग्स में मैं आपको सब बता चुका हूँ कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको डाउट्स हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। एंड प्लीज थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।